नमस्कार, सत्यम समाचार में रेणु राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। प्रदेश में दलितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार तमाम नए कदम उठा चुकी है, तमाम नए कानून भी बना चुकी है, लेकिन बावजूद इसके दलितों के साथ उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला थाना करहल क्षेत्र से सामने आया, जहां एक दलित की 21 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद पीड़ित ने हर अधिकारी के दरवाजे पर माथा टेका लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। तो पीड़ित ने एक अनोखा कदम उठाते हुए अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मामला करहल थाना क्षेत्र के ग्राम ककरैया से जुड़ा हुआ है। इस गांव की रहने वाली दलित महिला देवकी उर्फ जानकी देवी की 21 बीघा शंखमणि जमीन को दबंग ब्रज कुमार यादव निवासी गढ़िया के साथ मिलकर गांव के मनोज कुमार ने पिछले 2 वर्षों से अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर बंदूक और तमंचे के बल पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। 13 जुलाई को पीड़ित ने अपने परिवार के साथ जिला अधिकारी से न्याय पाने के लिए शिकायत की, तो जिला अधिकारी ने SDM करहल एवं कानूनगो को दबंगों के कब्जे से जमीन दिलाने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन इस शिकायत की सूचना पाकर दबंगों ने पीड़ित के घर पहुंचने के बाद गांव के दबंग मनोज कुमार एवं ब्रज कुमार के साथ थाना करहल की पुलिस ने पीड़ित के घर जाकर पहले तो काफी गाली गलौज की, इसके बाद वहां पर मौजूद बच्चों और महिलाओं को लाठी डंडों से जमकर पीटा और घर में रखे कीमती सामान को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मी एवं दबंग व्यक्तियों ने बक्से के ताले तोड़कर जेवरात भी लूट लिए। वहीं घर पर मौजूद गर्भवती महिला और बच्चों को भी पुलिस कर्मियों ने जमकर पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों ने मारपीट करने के बाद उक्त पीड़ित परिवार की महिलाओं के खिलाफ उल्टा 107/16 की कार्रवाई कर दी। पुलिस वाले साहब आए थे और पुलिस वाले के साथ घर के आते गांव के हमारे और आए बिन्ने मार छिड़कत दई और बच्चे फेंक दई, बच्चे एक सूते मारे, औरतें से महलों मारी और का बच्चे छोटे छोटे उन्हें उठा उठा पटक दिया और काका था मार छेड़ करेगा भाजी कड़े चले, बच्चों को भी मारा। हाँ, बच्चों को सब मारे, छोटे छोटे बच्चा नेकने का सही ऐसे रोए रोए चिल्ला चिल्ला भागे रही भाजे रही। ये कब की घटना है? 18 तारीख की। 18 तारीख। क्या विवाद है? कोई विवाद है? विवाद भाई खेती को चक्कर था, इन सब मारो। 21 बीघा खेती मेरी दबी है, ये लोग देते नहीं, 2-3 बार आ चुके नहीं, ना पता दे कह दी तो ना पे दी ना ही लड़ाई कर दी। तो कौन सी गांव में रहती है? ककरैया। ककरैया में क्या हुआ यहाँ पे, ये तोड़फोड़ की किसने की? जमीन के बारे में करी गई। क्यों? जब कई कम 6 तारीख को नाप तोल कर दिए तुम्हारी, 6 तारीख को नाप तोल को नहीं करी उन लोगों ने, फिर तो आए गए मेरे घर पे, दूसरे तीसरे दिन आए गए दंगा करो आए। कितने कौन कौन आया था? वे आए थे रूप सिंह, आए थे रूप सिंह के बने और वो सुधांश और सोनू धर्मपाल मनोज। हाँ, तो ये दबंग लोग हैं क्या? हाँ, पुलिस भी आई थी। हाँ, और फिर पुलिस भी दो आई, ताके बाद फिर गाड़ी भर के आई, 3 गाड़ी। अच्छा, कितने बीघा जमीन का विवाद चल रही है? 21 बीघा है खेत मेरे। अच्छा, तो यहाँ पुलिस ने तोड़फोड़ की आके? पुलिस वाले ने तोड़फोड़ करी और गांव वाले ने करी, सब लोगों ने, फिर मारपीट करी। और क्या क्या ले गए आपका निकाल के? मेरा नुकसान होगा बहुत बहुत, 2 जोड़ी तोड़ियाँ आएंगे बेहू निकाल ले गए। हाँ, 1.5 ग्राम मेरे 300 ग्राम की और एक जोड़ी कुंडल अंगूठी। ये इतना लूट गए? हाँ, मेरे बक्सा देखो खुलो डरे से। रोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ककरैया। क्या इसी घर के रहने वाले हो? नहीं, उधर है हमारा घर। अच्छा, तो तुम लंगड़िया क्यों रहे हो? डंडा मार दिया था पुलिस वालों ने और गांव वाले भी थे। अच्छा, तो यहाँ क्यों मारा था? हम देख रहे थे ठाड़े ऊपर जब इनके साथ मारपीट हो रही थी, तो आप देखने लगे थे, तो तुम्हें भी नहीं बख्शा पुलिस ने, तो दर्द हो रहा है। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई और दबंगों के खौफ से पीड़ित परिवार गांव से पलायन करने पर मजबूर हो गया है। इसके बाद जब पीड़ित को कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं दिखी, तो उसने थक हार कर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अपने खून से पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में उसने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी एक और सोनभद्र कांड होने से बचाएं, पीड़ित को या तो न्याय दिलाएं या
उसको इच्छा मृत्यु प्रदान करें। जिसके बाद हरकत में आया जिला प्रशासन ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने क्या खोज की है इसी पूरे प्रकरण को लेकर बताया है, जरा यह भी सुन लीजिए। तो सुना आपने, जिला अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय की ओर से एसडीएम करहल को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी जानकारी में आया है कि किसी अनुसूचित जाति व्यक्ति को किसी दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने कब्जा किया है और उसको कुछ और गाँव के लोग पार्टी बनने दे रहे हैं, तो उसको भी जानकारी हमें आते ही उसे बोला गया है, उसको देख के प्रभावी कार्रवाई करेंगे जो नया क्यों। क्या हमारी जमीन का मेटल चल रहा है तो हमारी 6 तारीख की डेट लगाई थी एसडीएम साहब ने और डीएम साहब ने कि तुम्हारा 6 तारीख को जमीन नप जाएगी, तो जमीन तो नहीं नपी थी, एक दो दिन टहलाते रहे इधर उधर। फिर दो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा हम जबरदस्ती से खेत तुम्हारा जुतवाएंगे, देख रोकते बने तो रोक लो। उनकी बिल्ला भी नहीं था, वो भी बिल्ला भी नहीं लगाए थे जेब से, तो हमने उनसे कही तो भाई जबरदस्ती जुतवाए, हम लोग अलग हो गए। तो हमारे ससुर जी बूढ़े बड़े थे तो वहाँ पर बैठे थे, तो यहाँ से चले गए उधर, उन्हें पकड़ लिया तो लड़कियाँ छुड़ाने लगी उन लोगों, तो लड़कियों के साथ उन्होंने इतनी अभद्र गाली दी और मारपीट की उन लड़कियों की, बहुत मारा उन लड़कियों को। उसके बाद 3 जीप वो आने लगा कि हम अंगूठा तोड़ लेते अभी और हम अभी जाके डॉक्टरी कराएंगे, तब तुमको सब औरतों को जेल भेजेंगे हम। तो उसने अंगूठा अपना मरोड़ लिया यहीं पर खुद, हाँ अपने आप मरो कह रहा था ना, उसने कहा फिर उसके बाद अंगूठा मरोड़। एक पुलिस वाला इसमें एक डर के मारे, कोई लड़कियाँ ना कोई वो महिला को फोटो भी नहीं लेना, रिपोर्टिंग करे उसी को रंद रंद के मारे जी लो। फिर उसने लेडीज पुलिस बुलाई, 3 गाड़ियाँ आई करेल थाने से, फिर 3 गाड़ियाँ, तब तक हम लोग छिप गए डर के मारे। उसने कही ना लेडीज पुलिस को अभी बुला रहे, अभी देखो तुमको सबको पकड़ के ले जाएंगे और थाने में बंद करेंगे, इतनी मार लगाएंगे, मारते मारते तुमको अधमरा कर देंगे। फिर महिलाओं को भी मार, हाँ फिर लेडीज पुलिस आई और फिर वहाँ ने उस बांस की बामे से लकड़ियाँ काटी उन लोगों ने, डंडी काटी बांस से, बांस के फिर बच्चे सोते जागते सब बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, 2 महिलाओं को पकड़ के ले गए और आप, बंद कर दिया। आपके घर में तोड़फोड़ भी की? हाँ हमारे घर पे तोड़फोड़ की, अभी टूट फोड़ो, अभी घर पे ऐसी डरी, मैं अभी आई मन इतना दुख थे। अच्छा, तो क्या कुछ लूट के भी ले गए? हाँ वो गेट में लाते, हमारी गेट तोड़ा है लेकिन टूटा नहीं वो गेट, बाहर जो पड़ा था वो सबको तोड़ दिया, ईट ईट मारी गेट ने, पता नहीं किया क्या हमारा। पुलिस वाले थे और कौन कौन थे? पुलिस वाले और गांव वाले थे, रूप सिंह, सुशांत और ये धर्मपाल सिंह। हाँ धर्म किस्म के, हमारा कई बार ऐसा हो चुका है लेकिन हमारा कोई कहीं हमारा कोई निपटारा नहीं हो रहा, हमें दर दर भटक रहा है। विवाद कितने दिन से चल रहा है? ये विवाद कितने दिन से चल रहा है? हमारा 10 साल हो गया सर, हमारी जमीन नप गई, हम कागज लिए खड़े हैं। कितने बीघा जमीन है हमारी? 21 बीघा जमीन दाव है। पुलिस ने सो रहे थे, पुलिस ने डंडे मारे, हम भाग गए रोते हुए। कितने कितने पुलिस वाले थे बेटा? कितने लोग थे? कितने लोग? 6 लोग थे। अच्छा, उनके हाथों में क्या था? बंदूक भी थी, डंडे भी थे। आपके क्या मारा? डंडे। कहाँ पे मारा आपके? पीठ में मारा पुलिस वाले ने मारा। गांव के कुछ लोग लाठी बंदूक लेकर पुलिस के साथ आए, घर में घुस के जबरदस्ती मारपीट करने लगे। हम औरतें थे घर पे, उसके बाद जब बीच बचाव किया तो पेट में लात भी मार दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, 7 महीने का बच्चा पेट में, आज भी मैं परेशान हूँ। क्यों, आखिर कौन लोग थे ये? गांव के लोग थे, फौरन सिंह, रूप सिंह और उनके लड़के थे। अच्छा, इनका नाम हमें नहीं पता है। क्या पुलिस भी आई थी? पुलिस भी साथ आई। पुलिस के कितने लोग थे? पूरी टीम थी उनकी, और जो बच्चों को मारते मारा और दौड़ा दौड़ा के मारा बच्चों को पुलिस ने। हाँ बच्चों, और 1-7 महीने का बच्चा खटिया पे लेटा था तो उसको भी उठा के फेंक दिया। 7 महीने के बच्चे ने बताओ क्या बिगाड़ा था उनका। ये पुलिस थी? पुलिस थी। कहाँ की पुलिस थी? थाने की, करेल थाने की पुलिस थी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? जमीन के विवाद में। जमीन का विवाद है? कैसे चल रहा था विवाद? फौरन उस रूप सिंह से, रूप सिंह जी से। पारुल हॉस्पिटल, SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ब्रह्मदेव मंदिर, ऑरेंज मंडल, आगरा रोड, मैनपुरी। ICU, NICU, PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा। सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच
24 घंटे सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी फ्रैक्चर एक्सीडेंट एवं गनशॉट का इलाज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया, रसौली, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन, स्वच्छ जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, एसी की सुविधा, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध। हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315 7830145860892390176।